व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एडिशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी. छोटे बच्चों को समझाने के लिए मैं सिंपली एक्सप्लेन कर रही हूँ. हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है स्लीपिंग लाइन. ये हॉरिजॉन्टल सिर्फ एडिशन में नहीं, कई जगह पर यूज़ किया जाता है. तो हॉरिजॉन्टल का सिंपल मतलब होता है स्लीपिंग लाइन. कोई भी चीज़ जब स्लीपिंग लाइन में होती है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब कि इस तरह की लाइन में. और जब कोई भी चीज़ वर्टिकल, मतलब कि स्टैंडिंग लाइन में होती है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल. ओके, तो सिंपली आप समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग लाइन, वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग लाइन. हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग लाइन, वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग लाइन. ओके, तो जब एडिशन इस तरह से स्लीपिंग लाइन में दिया होता है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन. और जब इस तरह से स्टैंडिंग लाइन में एडिशन दिया होता है उस समय हम इसे बोलते हैं वर्टिकल एडिशन. सो हॉरिजॉन्टल एडिशन एंड वर्टिकल एडिशन के आंसर दोनों के सेम ही आएंगे, बट इसको सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग होता है. तो लेट अस स्टार्ट विथ हॉरिजॉन्टल एडिशन. हमें इसे ऐड करने के लिए मैंने पहले की वीडियो में भी आप लोगों को अलग अलग ट्रिक्स बताई थी कि आप किस तरह से एडिशन कर सकते हैं. एक बार मैं यहाँ पर आपको अगेन बता रही हूँ. सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे, जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, वो है स्टैंडिंग लाइन डाल करके एडिशन करना. स्टैंडिंग लाइन डालकर एडिशन करना बहुत ही ईजी हो जाता है. जैसा कि यहाँ 5 है तो हम 5 लाइन ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 3. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 द आंसर इज 8. और इसमें एक चीज जो ध्यान रखने की है कि जब भी बच्चे एडिशन करते हैं उस समय क्या करना है कि जब लाइन काउंट कर रहे हैं तो जो लाइन हमने काउंट कर ली है उसको कट कर देने के. जैसे कि 1 2 3 और प्लस 1 2 3 4 5 है, या हम प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा. तो 1 2 एंड 3, मतलब ये लाइन हमने काउंट कर ली है तो हमें ये चीज़ माइंड में रहती है कि ये मैंने काउंट कर लिया और कट कर दिया है. नहीं तो कई बार लाइन काउंटिंग करने के टाइम में कन्फ्यूज़न होता है और हमारा आंसर आ जाता है गलत. तो हमें ये गलती नहीं करनी है. और 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके एडिशन करना है. ये एडिशन फैक्ट है या फिर नंबर कॉम्बिनेशन है जो मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जब भी अगर अपोजिट टाइप से अगर हमने नंबर को इंटरचेंज भी कर दिया तभी भी आंसर सेम आ रहा है. अब हम आगे बढ़ेंगे और हम इसको दूसरे तरीके से सीखेंगे, माइंड में एंड हैंड में. 4 को हमें क्या करना है, माइंड में रखना है, एंड 3 को हमें हैंड में रखना है. ओके, सो 4 5 6 7 मीन्स आंसर इज 7. इट्स इजी, माइंड में देन हैंड में. चलिए इसको भी हम इसी तरह कर लेते हैं, 3 प्लस 4. सो 3 माइंड में एंड 4 हैंड में. 3 4 5 6 7 सो आंसर इज 7. या हम बिना लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में इसलिए बता रही हूँ कि सारे बच्चे एक ही तरह के मेथड से नहीं समझते हैं और उनको जो मेथड इजी लगे वो मेथड वो यूज़ कर सकते हैं. अब आगे हम वर्टिकल एडिशन में भी सबसे पहले लाइन वाला लेंगे, 1 2 3 देन 1 2 3 4 एंड 5. सो वी विल कट द लाइन्स एंड ऐड 1 2 3 4 5 6 7 8. सो वी विल राइट आंसर 8. और ये हम फिंगर वाले मेथड से कर लेते हैं. सो 5 fingers, 1 2 3 4 5 एंड देन आफ्टर 3 fingers, 1 2 3. सो लेट अस काउंट ऑल द फिंगर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टोटल फिंगर्स 8. द आंसर इज 8. नाउ दिस वी विल डू विद द माइंड में एंड हैंड में वाला मेथड से. मीन्स 6 इज इन द माइंड एंड 2 इज इन द हैंड. सो 6 7 8 देन 2 इज इन द माइंड एंड 6 इज इन द हैंड. सो 2 3 4 5 6 7 8 आंसर इज 8. हियर आई वॉन्ट टू टेल यू दैट
कि जब भी आप माइंड एंड हैंड वाला नंबर का मेथड यूज़ कर रहे हैं, एडिशन का मेथड यूज़ कर रहे हैं, उस समय आपको क्या करना है कि हमेशा बिग नंबर को ही माइंड में रखना है, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। इससे क्या होता है कि आपको माइंड में आपने ज़्यादा रखा और फिंगर पे आपने जब कम रखा तो आप इजीली और फास्ट एडिशन कर सकेंगे। 6 7 8 ये ज़्यादा ईजी था कि 2 एंड देन 6 फिंगर पे काउंट करना ईजी था, 2 देन 3 4 5 6 7 8। सो इट टेक टाइम। इससे अच्छा है कि हम बिग नंबर को माइंड में रखें और उसके बाद स्मॉल नंबर को हैंड में रखें और फिर आगे बढ़ें। इससे हमारे लिए काउंटिंग, एडिशन की काउंटिंग बहुत ईजी हो जाती है। सो प्रैक्टिस फॉर दिस एडिशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ टाइप ऑफ एडिशंस, एंड तीनों टाइप के मेथड यूज़ करके देखिए आपको जो मेथड सबसे ईजी लगता है उस मेथड पे आप आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।